तो दोस्तों आज हम आ गए हैं, ये देखिए आप देख भी रहे होंगे, ये टिहरी डैम है। आप लोगों ने सुना भी होगा टिहरी डैम के बारे में। ये हमारे उत्तराखंड में ही है और उत्तराखंड में एक जगह है टिहरी गढ़वाल। ये यहाँ पर एक डैम बना हुआ है और ये एक लेक है। और ये देखिए बड़ी ही सुंदर यहाँ की जो वातावरण है वो बहुत अच्छा बना हुआ है। और ये लेक बनाई गई है पीछे से, ये आई हुई है पीछे। पहले पानी यहाँ पर इतना नहीं हुआ करता था। ये आप डैम देख रहे हैं, इस डैम से जो बिजली है वो बनाई जाती है। और ये आप देख भी रहे होंगे, ये देखिए ये डैम है वो जिसको बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बताया जाता है इस डैम के बारे में, कि अगर कुछ हो गया तो यहाँ से पानी बहुत ज़्यादा छोड़ा जाएगा या छूट जाएगा, एक ही बात है। और मैं आपको आज व्यू दिखा रहा हूँ, ये माउंटेन्स के व्यू हैं और बड़ी ही सुंदर यहाँ का वातावरण और हवा। यहाँ पर मीठी मीठी प्यारी प्यारी हवा चल रही है और आप आसमान में देख भी रहे होंगे ये बादल कितने ही प्यारे लग रहे हैं। ये देखिए हम घूमने आए हुए हैं और मैंने सोचा कि क्यों ना एक छोटी सी वीडियो बना ली जाए और जो हमारी फैमिली है उसके लिए, यूट्यूब फैमिली के लिए, ये मैं एक यहाँ के व्यूज़ इकट्ठे करूँ। तो ये टिहरी डैम की यहाँ पर आप देख रहे हैं और टूरिस्ट पैलेस है एक तरह से ये। यहाँ पर लोग आते हैं और एंजॉय करते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं। और इधर देख भी रहे होंगे आप कुछ गाड़ियाँ आई हुई हैं। ये देखिए ये हमारे दोस्त पिक्चर क्लिक करने में लगे हुए हैं। यहाँ पर आते हैं, एंजॉय करते हैं सब लोग। ये देखिए और 8-10 गाड़ियाँ भी यहाँ पर खड़ी हुई हैं। और एक बहुत अच्छा ये कुछ होटल वगैरह बना हुआ है, ये काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर कुछ और एक्टिविटीज़ भी हैं स्पोर्ट्स की, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। इधर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी हैं, वो मैं जब उधर जाऊंगा अभी तो मैं आपको दिखाऊंगा लाइव। ये देखिए और ये चर्चा करते हुए कि बर्फ़बारी कब होनी है, कुछ मौसम बन रहा है बर्फ़बारी का। और कल कल करती पानी की लहरें, ये देखिए, और बड़ी ही अद्भुत अनमोल यहाँ की हवा में इतना सुकून है कि बहुत ही अच्छा। अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए समय समय पर हमें जो पिकनिक स्पॉट्स हैं वहाँ पर जाते रहना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए। हम बागवानी भी करते हैं, वो भी एक बहुत ही अच्छा स्पोर्ट्स है और वहाँ पे भी हम एंजॉय करते हैं, क्योंकि बागवानी में रोज़ हम नए तरह तरह के काम करते हैं और कुछ ना कुछ सीखते हैं, कुछ बताते हैं। ये देखिए बड़ा ही सुंदर दृश्य है यहाँ का, और चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ हैं, ऊपर आसमान में नीले, आसमान के नीचे बादल सफ़ेद सफ़ेद आपको दिख रहे होंगे, ये देखिए। तो फिर आगे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ जो यहाँ पर स्पोर्ट्स हैं वो किस तरह के हैं। अब हम आ गए हैं यहाँ पर जो बोटिंग वगैरह होती है, ये जो पूरी झील में वहाँ पर आ गए हैं। और ये मास्क का एक साइन दिया हुआ है कि हमें मास्क लगाना है, क्योंकि ओमिक्रॉन एक नया वेरिएंट आ चुका है और हमने भी मास्क लगाया हुआ है। तो अब जा रहे हैं हम और देखेंगे कि यहाँ पर जो ये स्पोर्ट्स होते हैं वाटर के, उनमें क्या क्या है। आप देख रहे होंगे, देखो कितनी सारी बोट्स यहाँ पर हैं और कुछ बड़ी बोट्स हैं, कुछ छोटी हैं, सारी इस किसी में 4 आते हैं, किसी में 8-10 बैठ जाते हैं। तो इस तरह का सारा यहाँ पूरा ये पानी के अंदर पूरा गेम्स होते हैं और बड़ा एंजॉय करते हैं लोग जब यहाँ आते हैं। तो आप देख रहे हैं और इधर एरिया भी काफ़ी है यहाँ पर ये स्पोर्ट्स का। और एक हट्स बनी हुई है
जो पानी के अंदर ही रहती है, और इसमें भी हम शायद रुक सकते हैं। मैंने अभी पता नहीं किया है, बट होता होगा ऐसा। और ये देखिए, ये मोटर बाइक है जो पानी के अंदर काफ़ी स्पीड से चलाते हैं, और इसकी 10 मिनट की राइड होती है। 10 मिनट की राइड में ये आपकी जो चार्जेज होते हैं वो शायद 1000 रुपीज़ इसका चार्जेज है 10 मिनट का, और 10 मिनट में ये आपको पूरा घुमाएंगे। जैसे ये चलाने वाला तो वही होता है उनका बंदा, बट हम आगे बैठ सकते हैं इसमें और पीछे बैठ के इसको ऑपरेट करता है। मतलब इसकी स्पीड भी काफ़ी रहती है, एंजॉय काफ़ी आता है इसमें। और ये देखिए, आप देख भी रहे हैं तो आनंद लेते हुए स्पोर्ट्स का। और वाटर स्पोर्ट्स में काफ़ी, ये देखिए किस तरह से थोड़ा सा ये खतरनाक भी है, लेकिन सेफ जो बेल्ट होती है वो लाइफ सेवर, वो जैकेट्स वो पहन कर रखते हैं, तो कुछ ज़्यादा इतना खतरा नहीं होता है। वैसे यहाँ पे ज़्यादा गहराई नहीं है, पानी आप देख सकते हैं कितना बिल्कुल साफ पानी है, एकदम क्लियर। अभी सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में क्या है कि बिल्कुल क्लियर पानी आता है, बरसात तो ऊपर होती नहीं पहाड़ों में। और ये देखिए कैसे एंजॉय करते हुए आनंद लेते हुए पूरा। तो यही सब है यहाँ पर। और अब ये मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ। जब हम यहाँ पर आए थे, एंट्री करी थी, तो हमें ये लग रहा था कि ये पता नहीं क्या है। तो अब हम गार्डनिंग करते हैं तो हमें तो एक ही चीज़ दिखाई देती है, तो पेड़ पौधे या तो फिर गमले, गार्डन, इससे ज़्यादा कुछ होता ही नहीं। तो मेरे दिमाग में आया कि ये बहुत बड़े 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 जो गमले जैसे हैं और इनके अंदर पेड़ भी लगे हुए हैं, तो देखकर हंसी भी आई। मैंने कहा बहुत बड़े बड़े गमले यहाँ पर मिल गए हमें और पेड़ उनके अंदर लगे हुए हैं। वैसे किसी और काम में आते होंगे, गोल गोल से हैं कुछ। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा रखे हुए हैं, इधर भी रखे हुए हैं, पीछे भी मैंने देखे थे बहुत रखे हुए हैं। इनके अंदर अपने आप ये घास वगैरह कुछ पेड़ उगाए हैं, तो मन किया कि आपके साथ भी शेयर करूँ मैं इसको। तो ये भी काफ़ी, मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए इस तरह से यहाँ पर। ये देखिए, और उधर हट्स वगैरह बनी हुई हैं, यहाँ पर रुकने का भी इंतज़ाम रहता है। टूरिज्म का काफ़ी अच्छा है यहाँ पर, आप आएंगे तो पूरा एंजॉय करेंगे। और ये जो जगह है, टिहरी है, ये नई टिहरी, पुरानी टिहरी तो नहीं है, ये नई टिहरी है। और अब हम चल दिए हैं, हमारा यहाँ पर घूमना हो गया। और ये आप TSDC इंडिया लिमिटेड टिहरी का आप बोर्ड भी देख रहे हैं, ये जो पूरा यहाँ पे पुल वगैरह बनाया हुआ है, डैम वगैरह, तो ये TSDC ने ही बनाया है। और ये यूपी गवर्नमेंट के अंडर आता है, जितनी यहाँ पर बिजली बनती है वो सारी यूपी गवर्नमेंट को जाती है। तो आइए चलते हैं और करते हैं एंजॉय, सफ़र का आनंद लेते हैं। कुछ स्नैक्स के लिए, चाय पानी के लिए, तो एक जगह है ये चाचा सिप एंड डाइन रेस्टोरेंट, इसमें और कुछ थोड़ा सा स्नैक्स लेंगे, चाय पियेंगे, और उसके बाद फिर आगे चलेंगे। और ये गांव है, काफ़ी अच्छा गांव है ये। और इधर जो रेस्टोरेंट बनाया हुआ है उसका जो मैं आपको लुक दिखाना चाहता हूँ स्पेशल, बड़ा यूनिक सा इनका ये छोटा सा और यूनिक सा इनका रेस्टोरेंट है। और इनकी जो हट्स देखिए कितनी सुंदर लग रही है, ये देखिए। और हमने सैंडविच का ऑर्डर किया है, कुछ ही देर में रेडी हो जाएंगी, फिर मिलते हैं आपसे। और ये देखिए कितना यूनिक सा इनका कंसेप्ट है, छोटा सा और बड़ा सुंदर लग रहा है।
और ये धनोल्टी रोड पर है, चंबा से निकलते ही धनोल्टी जाते हुए रास्ते में पड़ेगा ये चाचा सिप एंड डाइन। तो अगर इधर से आप कभी जाते हैं तो यहाँ मुझे अच्छा लग रहा है ये, और पहाड़ी फूड भी मैंने पता किया है ये मिलता है यहाँ पर, तो आप ट्राई कर सकते हैं कभी इधर से जाओ तो। ये जो रेस्टोरेंट है हमारा यहीं पर ही, एक मैंने पौधा देखा है फ्लावर का, और फ्लावर की बनावट देखिए आप कितना औसम लग रहा है ये देखिए। और ये बड़ा सा पौधा है, फूल इसके अंदर छिपे हुए हैं इस तरह से, तो अगर हम अब इसकी पत्तियां हटाएंगे तो ही हमें दिख रहा है, ये देख सकते हैं। तो कमेंट करके बताना है किस चीज़ का फ्लावर है। और हमने वेज सैंडविच मंगाया अपने लिए, टेस्ट करके देखा है मैंने, टेस्ट अच्छा है ये देखिए। और साथ में इनका सॉस है और चटनी है। और एक चीज़ और लिखी हुई है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये इनके मेनू पे लिखा हुआ है जो बाहर बोर्ड लगा हुआ है, कृपया चटनी भरपूर खाएं, पसंद आए तो खरीद ले जाएं, 2 साल के लिए इसकी पूरी वैलिडिटी है। और ये इनका मेनू है पूरा। और ये मैगी भी मंगवाई हमने, तो मैगी भी दिखने में थोड़ी अच्छी लग रही है। और इधर सॉस है, इनकी चटनी है जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, तो ओवरऑल सब ठीक है। बाकी यहाँ से हम चलते हैं थोड़ी देर में, फिर आपको दिखाते हैं आगे। और ये हम रुके हैं, ये इनक्रेडिबल एडवेंचर पार्क है कनाताल में। ये धनोल्टी यहाँ से लगभग बच गया है 12 किलोमीटर के आसपास। और यहाँ पे अलग अलग गेम्स होते हैं, जैसे सुपरमैन है, जिप लाइन है, स्काई ब्रिज है, टायर क्रॉसिंग है, वॉल क्लाइंबिंग है, इस तरह के सारे गेम्स यहाँ पर हो रहे हैं। और एडवेंचर का है ये पूरा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस तरह से ना साइकिल पे जाएंगे और पूरी इस तरह से ये जो साइकिल होती है उस पर आप चल सकते हैं, और अलग अलग चार्जेज हैं इनके। ये पूरी लाइन है इस लाइन के ऊपर इस तरह से। तो एडवेंचर का है पूरा ये, और इनके जो प्राइजेज हैं वो यहाँ पे लगा हुआ है प्राइज का। ये इस तरह से पूरे गेम्स होते हैं। तो काफी एडवेंचरस है ये। और अब हमारी बारी आ गई है, हमने भी जो स्काई साइकिलिंग है वो करनी है, और हम भी ये एडवेंचर का आनंद लेना चाहते हैं। तो ये देखिए अब हम शुरू कर रहे हैं, और काफ़ी आनंद भी आया है इसमें, लेकिन डर भी बहुत ज़्यादा लगा है। नीचे अगर देखते थे तो काफ़ी डर लगता था, वैसे आनंद खूब आया क्योंकि पहली बार मैंने तो ये इस तरह से किया है लाइफ में, और एडवेंचर काफ़ी अच्छा है ये। तो इसमें क्या होता है कि साइकिल पर ही बैठ के आपको अपना पैंडल मारना होता है, और साइकिल आगे चलेगी और आप जो उधर सामने देख रहे हैं वहाँ पर पहुँच जाएंगे, फिर उधर से फिर दोबारा इस तरह से हमको साइकिल वापस टर्न करके दे दिया जाएगा। तो ये अभी हम पहुँच गए हैं, और अब दोबारा वापस आ रहे हैं। ये देखिए ऐसे ही है, बस एक तरफ से जाना और एक तरफ से आना। तो स्काई साइकिलिंग का जो चार्जेज है वो 500 पर हेड है, बट हमने 3 चीज़ें यहाँ पे की थी, मैंने और मेरे दोस्त ने, तो इन्होंने हमारे से 1200 चार्जेज ले लिया था, मतलब डिस्काउंट भी कर दिया था हमें। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर अगर आप चाहो तो बार्गेनिंग भी कर सकते हैं, और आपके जो चार्जेज हैं वो कम भी कर सकते हैं। ये देखिए ये भी जा रहे हैं इधर, और मैं देखिए आनंद लेते हुए वापस आ रहा हूँ, और काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। ये मेरी स्काई साइकिलिंग की राइड अब पूरी हो चुकी है, अब मैं दूसरी करूँगा।
और यहाँ पर पूरी सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है। दो तीन तरह से ये चेक पॉइंट है, ये चेक भी करते हैं और जो आपकी रस्सी वगैरह है ये सारी पूरी करते हैं। ये मेरे पैर से नीचे इनका जो ड्रम चढ़ने वाला होता है वो गिर गया, अभी उसको उठा के ला रहे हैं। और ये अब दूसरा मेरा एडवेंचर शुरू हो गया है। ये देखिए, इसमें मुझे इतना आनंद नहीं आया जितना साइकिलिंग में आया था। इसमें तो क्या है, बस 5-7 सेकंड में आप इधर से उधर पहुंच जाओगे और 5-7 सेकंड में उधर से इधर वापस आ जाओगे, तो ये इसमें इतना ज़्यादा आनंद मुझे नहीं आया। ये देखिए, उधर से आते हुए मैंने अपने पूरे हाथ खोल दिए थे, तो ये देखिए इस तरह से। और शाम का समय हो गया है, उधर आप सूर्य देवता भी देख रहे होंगे, बिल्कुल अब छिपने वाले हैं और अंधेरा थोड़ी देर में हो जाएगा, शाम हो चुकी है पूरी। और पहाड़ों में आनंद ही अलग है, शाम का जो दृश्य होता है, ऊपर बादल हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। और ये मेरे एक फ्रेंड है जो साथ में गए थे, वो भी उधर से आते हुए और खुशी से या डर से, दोनों से कहिए, वैसे खुशी है, चिल्ला रहे हैं, हाथ हाई हेलो कर रहे हैं, तो काफ़ी एंजॉयबल रहा, मेमोरेबल रहा और तो खूब मज़ा आया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रिप आपको हमारी अच्छी लगी होगी और मज़ा आया होगा आपको भी ये देखकर। तो इसके बाद हमारी एक और वीडियो आएगी इसी टूर में, हमारा 2 दिन का टूर था ये, तो दूसरी वीडियो आएगी माता सुरकुंडा देवी जी का मंदिर हमने विजिट किया और वहाँ पर गए हम, वो भी दिखाएंगे आपको, बहुत अच्छा है वो भी। तो बने रहे आप, और इस वीडियो में इतना ही, आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, बाय बाय।